पहली बार कोई रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो रही है। कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव 50 उद्योगपतियों से वन टू वन चर्चा कर सेक्टोरल सत्रों में शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में 4000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। बता दें कि अभी तक समिट से मध्य प्रदेश को 2,22,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 2,73,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सागर के जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी मैदान में होने वाली चौथी रीजनल कॉन्क्लेव में मोहन यादव नए और प्रस्तावित परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें सागर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए प्रस्तावित भूमि आवंटन, सागर में MPIDC के भी रीजनल कार्यालय का भूमि पूजन, सागर, दमोह, पन्ना के टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी में जिला निवेश प्रोत्साहन है केंद्र का भी लोकार्पण शामिल है। और सीधे सागर से जुड़ गए हैं संवाददाता विवेक राणा। क्या कुछ तस्वीरें हैं विवेक, दिखाइए। बिल्कुल कविता, यदि आपको पूरे कॉन्क्लेव की तस्वीर दिखाऊं तो बुंदेली जो रंग है वह भी दिखे, जिसके लिए सरकार ने तमाम जो कोशिश है वो भी की है। क्योंकि बात की जाए बुंदेली नृत्य की, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बुंदेली संगीत के साथ बुंदेली नृत्य हो, जिसके लिए कहीं ना कहीं जो कलाकार हैं वह भी पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बुंदेली जो होता है संगीत, उसकी पूरी तैयारी की गई है। और अब नृत्य की यदि बात करें तो प्रस्तुति भी है कि कौन सा यहाँ पर प्रस्तुति होगी बुंदेलखंड नॉर्थन लोक नृत्य की। अच्छा जी, क्या संदेश देंगे? नॉर्थन लोक नृत्य मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नवरात्रि के पावन पर्व पे किया जाता है, तो इसमें कुंवारी लड़कियां एक खेल के रूप में प्रस्तुत करती हैं, पर इसे हम लोग एक लोक नृत्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि कलाकारों में किस बिल्कुल प्रकार विवेक, से उसका विवेक, है, क्योंकि जी देर बाद ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचेंगे। और मोहन यादव की बात करें तो जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तब शुभारंभ का जो कार्यक्रम का जो शुभारंभ है कविता वो किया जाएगा। मगर उसके पहले यदि तस्वीर की यदि बात करें तो मैं आपको विवेक, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं और आप अभी बात कर रहे थे, जी विवेक आप अभी बात कर रहे थे जो कि बालिकाएं जो है नृत्य की प्रस्तुति देंगी, उनसे कुछ गवा लीजिए अगर कुछ हो गा पाए तो। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं कि उनसे कुछ गवाऊं, क्योंकि बात की जाए बुंदेलखंड की तो बुंदेलखंड के तमाम जो संगीतकार भी यहां पर मौजूद हैं। और यदि संगीत की यदि बात करें तो बुंदेलखंड अपने संगीत के लिए ही मशहूर है, और हमारे साथ संगीतकार भी है। एक प्रस्तुति हो जाए आज, एक बड़ा तोहफा सागर को मिलने वाला है बुंदेलखंड। जी हाँ बिल्कुल, तो है ना, हम बुंदेलखंड से होने के कारण बुंदेली आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा लोई को गान करो, कहा लोई को गान करो, जा बुंदेली माटी महान, कहा लोई को गान करो। हे खजराहो में कला न्यारी, देश विदेशन छाई, हाँ खजराहो में कला न्यारी, देश विदेशन छाई, और छतरपुर टीकमगढ़ सागर की का कहिए भाई, पन्ना प्यारे में हीरों की खान, कहाँ लोई को गान करो, जा बुंदेली माटी महान, कहाँ लोई को गान करो। देख सकते हैं कि कितना उत्साह है, कितना जोश है, और कहीं ना कहीं बुंदेली गीत के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की है। क्या विशेषता, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम ऋषि विश्वकर्मा है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रस्तुति थी, जहाँ पर बुंदेलखंड के जो तमाम जो जिले हैं और तमाम जिलों की यदि विशेषताओं की यदि बात करें तो क्या विशेषता है, क्या क्या इन जिलों में विशेष है, ये कहीं ना कहीं गीत के माध्यम से बताया गया है। और आप तस्वीर लगातार स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से देख रहे हैं हमारे दर्शक कि किस प्रकार से सागर में होने वाले इन्वेस्टर समिट मीट पे किस प्रकार से लोगों में उत्साह है, जोश है,
और बात की जाए उद्योगपतियों की तो लगातार जो उद्योगपति हैं उनके आने का जो सिलसिला है वह शुरू भी हो गया है। और यहाँ की यदि स्टोन की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के यहाँ बड़े उद्योग लगे, बड़ी क्रेशर मशीन लगे, जिनके लिए तमाम जो 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 स्टॉल हैं वो भी कहीं ना कहीं लगाए गए हैं। और मैं आपको दूसरी तरफ ये दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉल के माध्यम से प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बात की जाए मिर्ची की बात करें या बात की जाए हल्दी की बात करें तो पूरा आपने ये स्टॉल लगाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? व्यापार मिलेगा? सर व्यापार भी मिलेगा और हम क्या है फार्मर के साथ काम करते हैं, हमारा एक एपीओ है जो फार्मरों का है, फार्मरों के साथ उत्पादन भी करते हैं और आगे भी उनसे ही प्रोसेस करते हैं, आगे एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं। सर तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि लोकल फॉर वोकल मेड इन इंडिया, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार जो है वह बढ़ावा दे रही है। क्योंकि जहां देश की यदि बात करें तो मेड इन इंडिया को लेकर पूरा देश काम कर रहा है अभी था, और अब कहीं ना कहीं इसी देश में मेड इन इंडिया को जगह देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। बात की जाए हाथ से बनाए हुए, हैंडलूम से बनाए हुए जो चीज़ें हैं, शॉल है, साड़ी, उनसे भी बात करते हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स आ रहा है? जी रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है रिस्पॉन्स, बढ़िया है। क्या है ये? यादगार का सिनेमा तो बसते हैं जी, कैदियों द्वारा बनाया जाते कैंदी जेल सागर में। जी ठीक है, फोन क्लेब में आप आए हैं, क्या उम्मीद क्या है जी? उम्मीद क्या है सरकार से? उम्मीद यही का आगे उद्योग बढ़ाएं और आगे व्यापार बढ़ेगा, इससे और उद्योग बढ़ाएं। तो कभी तो यहाँ जी स्टॉल लगाए उनमें तो उत्साह है, मगर आप दूसरी तरफ तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बुंदेली संगीत, बुंदेली नृत्य और बुंदेली परंपरा में जो संगीत होता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह देखने को मिलता है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री डॉक्टर अमित यादव वहाँ पहुँचेंगे तो पहुँचने के बाद एक अद्भुत जो नजारा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। होने वाला है और इसी कॉन्क्लेव की मदद से युवा वर्ग को तो रोजगार मिलेगा, मगर यहाँ लोकल के जो उद्योगपति हैं, जो लोकल की जो चीजें हैं, बीड़ी की बात करें, अगरबत्ती की बात करें, अदरक टमाटर की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं उनको एक अलग पहचान देश दुनिया में भी मिलती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, यदि विवेक बात करें इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल है कविता, क्योंकि जिस प्रकार से उज्जैन की बात करें, जबलपुर की बात करें या ग्वालियर की यदि बात करें तो इसके उस कॉन्क्लेव के दौरान देखने को मिला था हजारों करोड़ के जो प्रस्ताव है वह आए थे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि अलग अलग जिलों में जो रीजनल कॉन्क्लेव है वह किया जाएगा, जिससे लोकल की जो सामग्री है खासतौर पर खाद्य पदार्थ की बात की जाए या लोकल के उद्योगों की यदि बात करें या उद्योगपतियों की यदि बात करें तो उनको कहीं ना कहीं जो बढ़ावा है वही मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री का बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे और तमाम राज्यों में भी दौरा था जहां पर बड़े उद्योगपतियों से भी चर्चा की गई थी कि मध्य प्रदेश में निवेश करें और लगातार इसका असर जो है वह देखने को मिल रहा है। क्योंकि बात करें ग्वालियर की बात करें या उज्जैन की बात करें या जबलपुर की बात करें तो करोड़ों रुपए के जो प्रस्ताव है वहां पर आए हैं, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आया है। ग्वालियर की बात करें तो बड़े बड़े उद्योग, रिलायंस की बात करें या बात की जाए टाटा की बात करें तो बड़े उद्योगपति भी लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सागर की यदि बात करें तो सागर में जिस प्रकार से इसके पहले मुख्यमंत्री ने बड़े उद्योगपतियों से चर्चा की है तो सागर यार बुंदेलखंड मिलती हुई दिखाई देगी। लगातार तस्वीर है, मैं आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से लोगों पे उत्साह है और ये उत्साह के साथ साथ एक कहीं ना कहीं मन में विचार है कि कॉन्क्लेव के बाद कहीं ना कहीं बुंदेलखंड को एक अलग पहचान मिले। क्योंकि तो
तमाम जिलों की बात करें, सागर की बात करें, दमोह की बात करें, पन्ना की बात करें, छतरपुर की बात करें, एक अलग पहचान है और इसी अलग अलग पहचान के चलते अब बुंदेलखंड को देश दुनिया में भी जाना जाएगा, क्योंकि पूरे कॉन्क्लेव की यदि बात की जाए तो कॉन्क्लेव में लोकल की जो सामग्री है जी, टमाटर की बात करें, अदरक की बात करें, मिर्ची की बात करें, बिड़ी या बात की जाए अगरबत्ती की, ये तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं इनको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के विकास पे लगे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि एक जिले का विकास होगा तो कहीं कहीं लोगों का विकास होगा, लोगों का विकास होगा तो धीरे धीरे करके प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश के विकास के साथ पूरा देश मध्य प्रदेश को जानेगा, मध्य प्रदेश की सामग्री को जानेगा, मध्य प्रदेश के लोगों को जानेगा, जिसके लिए लगातार जो प्रयास है, लगातार इन्वेस्टर समिट है रीजनल, लगातार अलग अलग जिलों में की जा रही है। जी बिल्कुल विवेक, इस कॉन्क्लेव में ओरछा खजुराहो को डेस्टिनेशन वेडिंग और होटल इंडस्ट्री का हब बनाने का भी प्लान है। बिल्कुल, क्योंकि बात की जाए खजुराहो की तो खजुराहो में ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट आए, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट का हब बने, जिसके लिए तमाम जो कोशिश है वह भी की जा रही है। साथ ही यदि बात करें अलग अलग जिलों की, यदि बात करें तो अलग अलग जिलों को लेकर भी जो सरकार के जो अलग अलग जो प्रोजेक्ट है वह लगातार चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इन अलग अलग जिलों को अलग अलग पहचान मिले, जिसके लिए लगातार जो काम है वह किया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग जिलों की यदि बात करें तो अलग जिलों में अलग अलग खूबियां हैं कविता, और इन्हीं खूबियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी पहुंचाने की जो कोशिश है वह कर रहे हैं। क्योंकि पन्ना की बात करें तो आप जानते हैं कि डायमंड का मुख्य खनिज है, इसके साथ तमाम ऐसे जो खनिज जो है वह पन्ना में होते हैं। छतरपुर की बात करें तो छतरपुर में भी तमाम खदाने हैं, टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ में भी तमाम खदाने, इसी प्रकार तमाम ऐसे जिले हैं जिसको अलग पहचान दिलाने की जो कोशिश है भाई की जा रही है। कुछ इन्वेस्टर हैं उनसे भी चर्चा करते हैं। ये अपना प्रोजेक्ट क्या है आपका? सर ये हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम लोग ज़्यादातर हम लोग डबल एसी ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, झांसी के रहने वाले हैं, और ये ब्रीज ब्लॉक हैं, ये पेवर्स हैं, ये हम लोग गार्ड में यूज़ करते हैं। ये सर ईंटे के मुकाबले ये हल्के रहते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा लोग को देंगे आप ये लगाइए, कैरी रहते हैं, ईजिली कैरी रहता है, लेबर कॉस्ट कम आता है, मटेरियल कॉस्ट कम आता है। सर ये और इसमें क्या डिफरेंस है? सर ईटे और एसी ब्लॉक्स में ये डिफरेंस है कि सर ईट में एक तो आपका लेबर कॉस्ट जाता है, 12 ईटे लगा ले या तो एक ही लगाए, साथ में डेड लोड रहता है, ईट का एक एक ईट का 3 किलो का आता है, 12 लगाएंगे तो 36 हो जाएगा, और ये सिर्फ 17 किलो का रहता है डबल एसी ब्लॉक, उसमें डेड लोड कम आता है। तस्वीर रखते हैं कि किस प्रकार से अब आधुनिक तरीके से भी तमाम जो चीजें हैं वह लाई जा रही है, क्योंकि पहले ईट का प्रयोग किया जाता था, उसके बाद अब जो ब्लॉक्स हैं सीमेंट के बनाए हुए उनका लगातार जो प्रयोग है वही किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जो आम लोग तमाम जो घर बनाने में या बात की जाए कंस्ट्रक्शन में ज्यादा पैसे खर्च हुए तो उसका जो पैसा है वो कम चुका। साथ ही बात की जाए सामग्री की, तो आप देख सकते हैं कि इससे बनाए हुए जो फर्नीचर है जो बुंदेलखंड की एक अलग पहचान है, जो एक अलग उनकी कलाकारी है वह आपके सामने दिखा रहा हूँ। इतना अद्भुत जो कलाकारी है वह यहाँ के लोग द्वारा बनाई गई है, क्योंकि पूरे इसकी यदि बात करें कार्यक्रम की तो यहाँ पे बुंदेलखंड के कहीं ना कहीं तमाम अलग अलग चीज़ें जो हैं वह देखने को मिल रही हैं। इसी प्रकार मैं आपको कॉन्क्लेव की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से अंतिम जो रूप है वह दिया जा रहा है, क्योंकि 10:30 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, और जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो एक अद्भुत नजारा रहेगा, एक अद्भुत कहीं ना कहीं दृश्य रहेगा, और इसी दृश्य के चलते यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो अलग अलग जिलों का विकास तो होगा, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों में उत्साह है, उत्साह के साथ साथ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस कॉन्क्लेव में बढ़ चढ़ के बड़े जो उद्योगपति हैं वह हिस्सा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यदि विवेक बात करें मध्य प्रदेश में 7 महीने में ये चौथी कॉन्क्लेव है, और मोहन सरकार का पूरा फोकस है कि लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार मिले, इसलिए 7 महीने में चौथा कॉन्क्लेव है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी यदि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो लगातार जो पूरा फोकस है वह रोजगार को लेकर है, कि अलग अलग जिलों में जो लोग हैं दूसरे राज्य चले जाते हैं काम करने, वो दूसरे राज्य ना जाए, खुद अपने ही शहर पे अपने ही गांव पे काम करें, ऐसे लगातार छोटे छोटे जो उद्योग जो बनाने का जो काम है वो लगातार सरकार कर रही है। और रीजनल कॉन्क्लेव की यदि बात करें तो रीजनल कॉन्क्लेव के जरिए ही लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार जो है वह दिया जाएगा, क्योंकि इससे
पहले के यदि कार्यक्रम की यदि बात करें तो जब जबलपुर में कॉन्क्लेव का रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, उस दौरान देखने को मिला था कि 22,000 करोड़ का जो निवेश प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं आया था। करीब 13,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनको रोजगार मिला था। इसी प्रकार उज्जैन की यदि बात करें, जब उज्जैन में कॉन्क्लेव हुआ था तो 10,064 करोड़ रुपए का निवेश आया था और अडानी जैसे बड़े ने भी उज्जैन के प्रस्ताव पर इन्वेस्ट किया था और करीब 17,000 लोगों को रोजगार मिला था। इसी प्रकार 28 अगस्त 2024 की यदि बात करें तो ग्वालियर में 8,000 करोड़ का निवेश आया था और कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप ने 3,000 करोड़ का मध्य प्रदेश के ग्वालियर में निवेश किया था, केवल गुना और ग्वालियर में, एक बहुत बड़ी बात है। और इसी प्रकार सागर की यदि बात करें तो सागर का जब कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया जाएगा, बड़े उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राउंड टेबल में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद बुंदेलखंड के जो जायगा है उसका स्वाद जब चखिए तो कहीं बुंदेलखंड को भी एक बड़ा तोहफा मिलेगा। खासतौर पर सागर की बात करें तो सागर के जो छोटे उद्योग है, खासतौर पर अगरबत्ती उद्योग, ऐसे उद्योगों को एक बार फिर पुनर्जीवित किया जाएगा और सागर के जो खास जो चीजें हैं वो एक देश और दुनिया में एक अलग जो जगह है कभी डब्बों में दिखाई देगी। जी बिल्कुल विवेक, यदि बात करें 4 सेक्टर 5 सत्र और 2 राउंड टेबल पर कॉन्फ्रेंस होंगी। बिल्कुल कभी मुख्यमंत्री पूरे कार्यक्रम की यदि बात करें तो पूरा कार्यक्रम शेड्यूल जो है और इसी बारीकी के चलते विवेक, आपके पीछे जो है हम तस्वीरें देख रहे हैं जो बुंदेली पूरे अंदाज में मेहमानों के निवेशकों के स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जो है हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल बुंदेली वेशभूषा में, विवेक आवाज पहुंच पा रही है, सीधी तस्वीर आप दिखा रहे हैं सागर से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। और सुबह से ही हमारे संवाददाता विवेक राणा इस कॉन्क्लेव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बता दें कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 4500 से अधिक जो है और निवेश पर बात होगी। बिल्कुल विवेक, आप बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो रुकिए एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की खबर सागर की खबर से करेंगे, जहां सागर में आज होने जा रही रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव पहली कॉन्क्लेव होगी, जिसमें विविध प्रकार के उद्योग के आने की रजामंदी मिली है। अब तक उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में हुई कॉन्क्लेव में केवल औद्योगिक निवेश ही मिले हैं। प्रदेश की चौथी कॉन्क्लेव में एविएशन, टूरिज्म, कृषि उपकरण, छोटे लघु उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, माइनिंग, कुटीर उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, आईटी सेक्टर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी निवेश पर सहमति हुई है। एमडी एमपी एसआईडीसी चंद्रमौली शुक्ला का कहना है, रीजनल कॉन्क्लेव का यही मकसद है कि विभिन्न प्रकार के निवेश आए, हर तरह के बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस स्थानीय कुटीर उद्योग होगा। बेरी उद्योग पर आधारित अलग सेशन में विस्तृत योजना पर चर्चा होगी। एक जिला एक उत्पाद में
संभाग के जिलों के स्थानीय उत्पादों की विश्व स्तरीय गुणवत्ता, विपणन एवं प्रसंस्करण समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। निवेशकों ने काली हल्दी की खेती करने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री 50 उद्यमियों से वन टू वन चर्चा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक, आज सागर में कॉन्क्लेव है और क्षेत्रीय कार्यालय के लिए भूमि आवंटन करेंगे और कई जो निवेशक है वो पहुंचेंगे, और क्या कुछ इस पर ज्यादा जानकारी? बिल्कुल कविता, जहां पूरा देश मेक इन इंडिया की तर्ज पर आगे बढ़ रहा, वहीं मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मेक इन इंडिया की तर्ज पर लगातार आगे बढ़ने की लगातार जो कोशिश है वह प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की यदि बात की जाए तो रीजनल कॉन्क्लेव का लगातार जो आयोजन है वह किया जा रहा है। वहीं सागर की बात करें तो आज सागर में रीजनल कॉन्क्लेव है, जहां पर देश विदेश के करीब 6000 ऐसे ज़्यादा जो उद्योगपति हैं वो यहां आएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राउंड टेबल में बैठकर तमाम उद्योगपति से चर्चा करेंगे। आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि इस प्रकार तैयारी जो है वह अंतिम रूप देते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि करीब 10:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पहुँचने के बाद ये रीजनल इन्वेस्टर समिट का जो शुभारंभ है वह किया जाएगा। मगर यदि पूरे कार्यक्रम की यदि बात करें तो छतरपुर के फर्नीचर, दमोह के चने, टीकमगढ़ के अदरक और सागर के जो टमाटर हैं वह देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे, जिसके लिए लगातार प्रदेश सरकार अलग अलग जिलों में इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन है वह लगातार करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बात करें मध्य प्रदेश की तो जिस प्रकार से बीते दिन ग्वालियर में, उज्जैन में, जबलपुर में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, लगातार बड़े जो निवेशक हैं वो मध्य प्रदेश में निवेश करने को तैयार हैं। क्योंकि कविता बात करें मध्य प्रदेश की तो इसके पहले जब कॉन्क्लेव हुआ था जबलपुर में तो 22,000 करोड़ का जो निवेश है वो आया था। उज्जैन में हुआ था फर्स्ट टाइम, वहां पर 10,000 करोड़ आया था। इसी प्रकार जब ग्वालियर में हुआ था 28 अगस्त को तो 8,000 करोड़ का जो निवेश है वो आया था। इसी प्रकार बात की जाए सागर की, क्योंकि सागर में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और जब सागर में जब इन्वेस्टर समिट आज रखा गया है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि सागर की बात करें तो सागर में 2 हाईवे हैं जो भोपाल इंदौर से जोड़ता है। इसी प्रकार रेल लाइन की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, सूरत के लिए सीधी है बीना जंक्शन से। इसी प्रकार एग्रो इंडस्ट्री की यदि बात करें तो अनाज के क्षेत्र में टमाटर, अदरक, लहसुन जैसी सब्जी यहाँ भरपूर है। इसी प्रकार सूरत और दिल्ली और महाराष्ट्र की यदि बात करें तो यहाँ पर के जो मजदूर हैं यहाँ पर रोजगार करने जाते हैं। जब सागर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं उनका जो आने का जो सिलसिला है वो थमता हुआ दिखाई देगा। दूसरे जो राज्य हैं वहीं नहीं जाएंगे। और आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं वो यहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। क्योंकि किसान संबंधित उपकरणों की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा जो डेमो है वह लगाया गया है। ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे, इनके डेमो को देखेंगे कि क्या खास है और सागर के लिए क्या हो सकता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि भारतीय खाद्य संघ द्वारा जिस प्रकार से ये जो ऑयल प्रोडक्ट पूरे रखे गए हैं, क्योंकि लोकल ब्रांड है और लोकल इस वोकल को ही लगातार सरकार जो है वह बढ़ावा दे रही है। इसी प्रकार बात की जाए तमाम प्रोडक्ट की तो आप देख सकते हैं कि तैयारी लगातार चल रही है और अंतिम जो रूप है वह दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जितने भी जो बिजनेसमैन हैं, जो उद्योगपति हैं, वह सभी अपने अपने डिपार्टमेंट की बात करें या उनसे संबंधित व्यापार की यदि बात करें तो वह सभी यहाँ पर लगा रहे हैं। क्योंकि बात की जाए लोकल की तो आप देख सकते हैं कि हैंडलूम से बने हुए जो कई जो सामान है वो यहाँ पर मौजूद है। इसी प्रकार लोकल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि संजीवनी विक्रय केंद्र भी है जो सागर की है, कुछ लोग भी हैं उनसे भी हम चर्चा करते हैं। बात करते हैं कभी तो पहले जी, आपका यहाँ स्टॉल लगा है, क्या लगता है कितना रिस्पॉन्स मिलेगा? यहाँ आपने लगाए हैं, क्या लगता है कितना रिस्पॉन्स मिलेगा? लोग जानेंगे? नहीं जानेंगे, इसके लाने उसका प्रचार भी होगा, लोगों को मालूम चलेगा कि बिंदा हर्बल प्रोडक्ट क्या है, इसके उत्पादन कहाँ होते हैं,
वनों से जो संग्रह करी जाते हैं री मटेरियल कर जड़ी बूटियों से और उससे जो इनको व्यापार भी मिलेगा जनजाति वालों के लिए आदिवासियों के लिए। तो कविता आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड के तमाम जो लोग हैं वो कितने उत्साहित हैं, क्योंकि बात की जाए पूरे बुंदेलखंड की तो बुंदेलखंड पे तो खासा इसका असर रहेगा। साथ ही आसपास के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर पूरी तरह जो रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव है उसका पूरी तरह जो फोकस है भाई दिखाई देगा, क्योंकि जो जमीन से जुड़ी हुई चीज है मेक इन इंडिया बोल सकते हैं, ये पूरी चीजें जो है लोकल फॉर वोकल में जो बिकनी चाहिए वो कहीं ना कहीं बिकती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सरकार ने नारा दिया था मेड इन इंडिया का और वोकल वोकल इज लोकल आप देखने को मिला था कि लगातार काम करते हुए दिखाई दे, सरकार ने प्रोत्साहन भी दिया था और अब मेड इन इंडिया पर लगातार जो है मध्य प्रदेश सरकार भी काम करती दिखाई दे रही। जी कविता बिल्कुल विवेक, यदि बात करें सागर के पुराने बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग को पुनर्जीवित करने पर भी फोकस है, आपने लोकल फॉर वोकल की भी बात की। बिल्कुल कविता, क्योंकि लोकल की तमाम जो सामग्री है तमाम जो वस्तुएं हैं, सब्जियों की बात करें या बीड़ी उद्योग की बात करें या बात की जाए अगरबत्तियों की, तो तमाम जो उद्योग हैं उनको जीवित करने की आज एक बहुत बड़ी पहल है, इनको एक बड़ा रूप दिया जाएगा, क्योंकि बात की जाए लोग यहाँ के निजी लोगों की तो कहीं ना कहीं सागर की जो पुरानी बीड़ी है अगरबत्ती उद्योग है उनको कहीं ना कहीं आज पुनर्जीवित किया जाएगा, पूरी तरह फोकस रहेगा। साथ ही छतरपुर के फर्नीचर है, दमोह के चने हैं, टीकमगढ़ के अदरक है और सागर की यदि बात करें तो टमाटर है, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अदरक की यदि बात करें सागर के अदरक है और आप देख सकते हैं कि सागर के जो अदरक हैं वो यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग क्वालिटी के हैं, यहाँ स्टॉल लगाए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि सागर के अदरक को अलग पहचान, अच्छा निवाड़ी के हैं मगर अलग पहचान मिली। हाँ अलग पहचान है, यहाँ का अदरक जो है निवाड़ी का जो रेशा है उसमें रेशा नहीं रहता है तो जो पाउडर है बहुत तीखा होता है, तो ये विश्व भर में चलता है, अपने प्रदेश भर में सबसे अधिक मतलब बरुआ सागर मंडी पास में है वहाँ ये लोग मतलब किसान लोग उत्पादन करके ले आते हैं, वहाँ से मतलब पूरे प्रदेश भर में देश भर में वहाँ का अदरक जाता है, वो बहुत सभी लोग पसंद करते हैं क्योंकि इसमें रेशा नहीं है और मतलब उसमें पाउडर जब डाल लें तो अदरक की चाय का स्वाद ही अलग रहता है। तो कविता निवाड़ी के अदरक हैं मगर उनको भी एक अलग पहचान मिलेगी, और इसी प्रकार हैंडलूम की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो तमाम जो सामान है वो यहाँ रखे गए हैं, हाथ से बनाए हुए तमाम सामान हैं, लोग भी हैं उनसे भी बात करते हैं, ये हाथ से बनाए हुए हैं कितनी पहचान मिलेगी, आइए आप आएगी आइए। आज इतना बड़ा कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री आएंगे चर्चा करेंगे तो पहचान अलग स्तर पर जाएगी। जी ये हमारे आजीविका मिशन से बनाया गया है, आजीविका मिशन के अंदर जो हमारे एसएचजी बनते हैं एसएचजी में ये समूह की दीदियाँ द्वारा ये सारे प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, चाहे वो बांस बर्तन हो या टेराकोटा हो या सर ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो या फिर सर ये हमारा कच्ची घानी का तेल शुद्ध कोलू वाला है और अदरक पाउडर ये दलिया, ये सब समूह की दीदियों द्वारा बनाया जाता है, ये हमारी दीदियाँ। तो कविता आप देख सकते हैं तस्वीर की किस प्रकार से जो हाथ से बनाई हुई जो चीज़ है उनको भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि मेड इन इंडिया की तर्ज पर सरकार लगातार काम कर रही है और सरकार कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे जो उद्योग हैं जो लगातार लगाए जा रहे हैं इनको बढ़ावा देगी, और बढ़ावा देने के साथ साथ जब इनको बढ़ावा मिलेगा तो मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, बड़े जो निवेशक हैं वो मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही बताया हूँ कि सागर की कनेक्टिविटी क्या है, किस प्रकार से सागर में कनेक्टिविटी है जिससे जो बड़े उद्योगपति हैं वो सागर पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि सागर की बात की जाए तो सागर में बड़े से बड़ा कनेक्टिविटी का माया जाल है और इसी माया जाल के सहारे कहीं ना कहीं सागर को एक बड़ा जो इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं आज मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही यदि बात करें तो पीतल के जो शिल्पकार हैं वो आप तस्वीर देख सकते हैं कि अद्भुत नक्काशी रहती है पीतल की और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रखते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि टीकमगढ़ की ये परंपरा की पुरानी पीतल की शिल्पकला है। हमारे साथ जो यहाँ के जो पीतल बनाने वाले जो लोग हैं वह भी मौजूद हैं, उनसे 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 भी चर्चा करेंगे। आपने ये पूरा स्टॉल लगाया है
कहीं ना कहीं एक पीतल को शिल्प कला को एक अद्भुत पहचान मिलेगी आज। ये टीकमगढ़ की पारंपरिक पीतल की जो शिल्प कला है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये टीकमगढ़ उद्योग विभाग की तरफ से स्टॉल लगा गया है। ये सोनी जी जो पारंपरिक मूर्तिकार हैं उनके द्वारा ये निर्मित की गई, उनके द्वारा ये स्टॉल लगाया गया। इसकी अधिक जानकारी आप तो कभी तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से जो पुराने जमानों में जो जो शिल्प कला होती थी बड़े अद्भुत रहती थी और कुछ साल पहले से कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही थी। सरकार ने इस पर कहीं ना कहीं फोकस किया, उसके बाद जो शिल्प कला है एक बार फिर पुनर्जीवित हुई और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्यारी नक्काशी करके ये शिल्प कला को कहीं ना कहीं बनाया गया है और इसी शिल्प कला को अलग पहचान दिलाने के लिए इन्वेस्टर समिट जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग जिलों में रखी है जहां लोकल के जो उद्योगपति हैं जो जो व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिल रहा बिल्कुल है। कैसा लग रहा है क्योंकि मोहन सरकार लगातार हर जिले में काम कर रही है और इसका असर दिखेगा? जी सर दिखेगा इसका सर, बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी के लिए बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं और लगातार वो इस काम पर हमारे लिए भी और भी काम पर ध्यान दे रहे हैं सर। तो आप देख सकते हैं कि इसके पहले उज्जैन ग्वालियर और जबलपुर में जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया उसके बाद सागर में रीजनल इन्वेस्टर समिट सागर पर रखा गया है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे कविता, मगर अहम यदि बात की बात करें तो अहम बात यह है कि कहीं ना कहीं एक अलग जो पहचान है सागर के आसपास के जो तमाम जो जिले हैं उनको आज मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही लोकल की जो तमाम जो प्रोडक्ट है क्योंकि आपने भी बताया कि बीड़ी की बात करें या अगरबत्ती की बात करें तो उन उन उद्योग जो कई सालों से बंद पड़े हैं उनको पुनर्जीवित किया जाएगा और पुनर्जीवन के बाद वो उद्योग कहीं ना कहीं फूलते खिलते दिखाई देंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि सागर के आसपास के तमाम जिलों की बात करें कविता तो यहाँ पे कई ऐसे जिले हैं और ऐसे गांव हैं जो यहाँ के जो लोग हैं वो दिल्ली बॉम्बे रोजगार के लिए जाते हैं, प्लान करते हैं और अब जो प्लान है वो कहीं ना कहीं बंद होगा क्योंकि यहाँ बड़े उद्योग डलेंगे, बड़े जो निवेशक है वो निवेश करेंगे, एक बड़े उद्योग कहा जा सकता है रोजगार है। विवेक कहा जा सकता है कि लोकल प्रोडक्ट को ही रोजगार का जरिया जो है वो बनाया जाएगा। बार बार आप लोकल का जिक्र भी कर रहे हैं, आप सामान भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल कविता, यदि बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तो पूरी तरह जो फोकस है वो कहीं ना कहीं लोकल फॉर वोकल पर है क्योंकि अलग अलग जिलों के रीजनल कॉन्क्लेव की यदि बात करें तो अलग अलग जिलों का रीजनल कॉन्क्लेव रखा गया है, मगर इस रीजनल कॉन्क्लेव को यदि गहराई से देखें, यदि उस पर विचार करें तो जब अलग अलग जिलों में ये पूरा कॉन्क्लेव रखा गया है तो वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको एक बड़ा प्रोत्साहन मिलता हुआ दिखाई देगा क्योंकि लोकल की जो चीज है वो उनको एक अलग बड़े बड़े मार्केट में एक बड़ी पहचान मिलेगी। साथ ही कहीं ना कहीं जो बड़े जो छोटे जो व्यापारी हैं जो लगातार छोटे उद्योग चला रहे हैं हर जिलों में उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा और जब बड़े निवेशक वहां पर निवेश करने आएंगे तो एक छोटे जो निवेशक हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता हुआ दिखाई देगा जिससे जो जिला है वह विकसित तो होगा साथ ही रोजगार के जो अवसर हैं वह भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे जिससे जो रोजगार का जो टारगेट सरकार ने तय की है जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश का विकास होगा और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले अलग अलग ग्रामीण इलाकों की जो अलग अलग जो पहचान है उसको अलग अलग राज्यों में भी जो पहचान है वह मिलती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, यदि विवेक बात करें अब लंच पे आ जाए, यदि लंच की बात करें तो बुंदेली खंड का जो बुंदेली का जायका है उसका स्वाद ले सकेंगे निवेशक? बिल्कुल, यदि निवेशकों की यदि बात करें तो करीब 3000 से ज्यादा जो निवेशक जो यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि मंत्री की बात करें तो यहाँ के जो मंत्री हैं प्रदेश सरकार के और यहाँ के जो लोकल के जो विधायक हैं उन्होंने करीब 6000 जो बड़े उद्योगपतियों की बात करी है, मगर 3000 ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जिनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राउंड टेबल पर कहीं ना कहीं स्वाद का जो मजा है वह लेते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो टेबल है उसकी जो तैयारी है वह की जाएगी
मगर स्वाद की यदि बात करें तो यहाँ का जो लोकल जो फूड है वह लंच में परसा जाएगा, एक अलग जो जायका है वह रहेगा। क्योंकि बात की जाए कढ़ी की बात करें या बात की जाए सीरा की या बिजोरे की, तो कहीं ना कहीं एक अद्भुत ये टेस्ट होता है। और जब जो जो बड़े बड़े जो उद्योगपति जब यहाँ पहुंचेंगे और जब जायके का मजा लेंगे तो कहीं ना कहीं सागर को भूल नहीं पाएंगे, सागर को याद रखेंगे, क्योंकि ये ऐसी लोकल की चीज है। दही और बिना दही के भी परसा जाएगा, कई ऐसी सामग्री है कि किसी को परेशानी नहीं होगी। क्योंकि बिजोरा की बात करें या सीरा की बात करें या बकारा की बात करें, तो ये ऐसी चीज है जिनसे लोगों का जो मन है उत्साहित होगा। मैं आपको राउंड टेबल जो है वह दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से जो अंतिम जो रूप है वह दिया जा रहा है। और यहीं पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और आप देख सकते हैं कि जो तैयारी है लगातार चल रही है। इसी राउंड टेबल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठेंगे और तमाम जो बड़े जो उद्योगपति हैं वह भी मौजूद रहेंगे, जो बुंदेलखंड का तो जायके का मजा लेंगे, साथ ही तमाम जो चर्चा है वह लंच के दौरान देखने को मिलेगी। क्योंकि बात की जाए जायके की, जब जायका लेंगे उसके बाद से ही तमाम विषय में जो चर्चा है मुख्यमंत्री के साथ वह होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि बात की जाए अलग अलग जिलों की, तो अलग अलग जिलों में जिस प्रकार से अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि सागर की बात की जाए तो यहाँ पर खनिज भंडार है जी। इसी प्रकार सागर की यदि बात करें तो सागर में बहुत कुछ है, और इसी प्रकार दमोह की यदि बात की जाए तो चूना पत्थर भी मुख्य खनिज है यहाँ पर। क्योंकि बात की जाए उद्योगपतियों की खनन से संबंधित दिलचस्पियों की, तो वहाँ पर किस प्रकार से दिलचस्पी होगी। क्योंकि पन्ना की बात करें तो यहाँ पर एक अलग डायमंड मुख्य खनिज है। छतरपुर की बात करें तो माइनिंग है यहाँ पर। टीकमगढ़ की बात करें तो मिट्टी और ग्रेनाइट है। और निवाड़ी की यदि बात करें तो आयरन का मुख्य खनिज है। इसी प्रकार बिल्कुल अलग अलग जिलों की अलग अलग पहचान है, और इसी पहचान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अन्य राज्यों में भी प्रसिद्ध करने की और देश और विदेश में भी प्रसिद्ध करने की जो कोशिश है लगातार जारी है। जी बिल्कुल विवेक, इस कॉन्क्लेव के जरिए सागर की जो पहचान है देश में तो है ही, अब विदेश में बढ़ेगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश में चौथी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव सागर में होने जा रही है। और ऐसे में देखिए, मौजूदा सरकार में बुंदेलखंड में पहली बार कोई रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो रही है। कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव 50 उद्योगपतियों से वन टू वन चर्चा कर सेक्टोरल सत्री में शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में बताया जा रहा है कि 4,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी तक समिट से मध्य प्रदेश को 2,22,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,73,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए। इसके साथ ही सागर के जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी मैदान में होने वाली चौथी रीजनल कॉन्क्लेव में मोहन यादव नए और प्रस्तावित परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे। इसमें सागर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए प्रस्तावित भूमि आवंटन, सागर में MPIDC के रीजनल कार्यालय का भूमि पूजन, सागर, दमोह, पन्ना के साथ ही टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी में जिला निवेश प्रोत्साहन है केंद्र का लोकार्पण भी शामिल है। चलिए सीधी तस्वीरें आपको बताएंगे कि किस तरह सागर का माहौल है। और देखिए, लगातार आयोजित हो रहा है रीजनल कॉन्क्लेव में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है। सहयोगी हमारे साथ लगातार उपस्थित हैं सागर में। बिल्कुल विवेक, जानना चाहेंगे आपसे कि अभी फिलहाल किस तरह का माहौल नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अब से थोड़ी देर बाद शिरकत करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ तस्वीरें वहां की कुछ सामने निकल के आ रही है? आपको तस्वीरें
तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि लोगों में जगह नहीं मिली है, पहचान नहीं मिली है देश दुनिया में, तो कहीं ना कहीं आज इस पूरे कॉन्क्लेव के माध्यम से एक पहचान देने की जो कोशिश है आज सरकार द्वारा की जाएगी, क्योंकि बड़े उद्योगपति आएंगे, बड़े निवेशक आएंगे, मध्य प्रदेश में बड़ा उद्योग लगाया जाएगा, तो जो छोटी मोटी जो सामग्री है, छोटी मोटी जो पहचान है, क्योंकि सागर की बात करें तो अदरक है, टमाटर है, कई ऐसी जो चीज़ें हैं जिनको एक अलग जो पहचान है वह मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस प्रकार से इसके पहले भी तीन जिलों में जो कॉन्क्लेव है वह हो चुका है, जबलपुर की बात करें, उज्जैन की बात करें या ग्वालियर की बात करें, वहां पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा जो कार्यक्रम है वह देखने को मिला था। करोड़ों रुपए का जो निवेश है वह किया गया था, और आप तस्वीर देख सकते हैं कि लोकल की जो सामग्री है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इनसे बात करते हैं, दमोह से आए हैं, पूरा खाद्य पदार्थ क्या क्या खास है, क्या लगता है? मैं करीब 2019 से जैविक खेती करता हूँ, जैसे कि मैंने ये बेसन बनाया हुआ है, पूरा देसी चना का है, कटीला चना जो देसी होता था पहले, और ये बेसन का हमने सेव बनाया हुआ है, जैसे कि ये बूंदी बनाई हुई है, ये पपड़ी बनाई हुई है, तो ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट हैं हमारे किसान भाइयों ने मिल करके, और जो चना से हमारा जो जिला है, एक जिला एक उत्पाद के नाम से दमोह जिला जो चना में हुआ है, तो उसका ये पूरा चना का प्रोडक्ट ही बनकर यहाँ पर लाए हम लोग। तो कि चना का प्रोडक्ट है और उसको कहीं ना कहीं पहचान दिलाने की जो कोशिश है वह लगातार की जा रही है, और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से और भी जो तमाम जो प्रदर्शनी है, स्टॉल है, वह भी लगाए गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं निवाड़ी के अदरक भी हैं, मिर्च भी है, काली मिर्च भी है, इसी प्रकार जो बुंदेलखंड का जो गौ से बनाए हुए तमाम जो पदार्थ हैं वह आप देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम जो पदार्थ हैं वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये पूरी प्रदर्शनी की बात करें, स्टॉलों की बात करें, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पूरी प्रदर्शनी का कहीं ना कहीं भ्रमण करेंगे, सभी लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ ही बात की जाए राउंड टेबल की, तो राउंड टेबल भी लगाई जाएगी जिसपे उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चर्चा करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सागर की यदि बात करें तो सागर की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि दो हाईवे हैं, साथ ही भोपाल इंदौर एवं बॉम्बे तक सड़क मार्ग है,
इसी प्रकार रेल मार्ग की यदि बात करें बॉम्बे दिल्ली सूरत के सीधे रास्ते हैं। इसी प्रकार एग्रो इंडस्ट्री के तौर पर यदि अनाज की बात करें, टमाटर की बात करें, अदरक लहसुन की बात करें, तो सब्जियों का भी जो उत्पादन है वह यहाँ देखने को मिलता है। गुजरात दिल्ली महाराष्ट्र दूसरे राज्यों की बात करें तो सागर के जो लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता, ये तमाम राज्य रोजगार के लिए जाते हैं, मगर जब यहाँ बड़ा उद्योग लगेगा, बड़े उद्योगपति निवेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो पलायन की जो स्थिति है वह कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार जब मिलेगा तो लोग यहाँ काम करेंगे और जो लोकल की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं देश दुनिया में कहीं ना कहीं उनको एक अलग जो पहचान है वह मिलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि अलग अलग कॉन्क्लेवों की बात करें, ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें, उज्जैन की बात करें, तो करोड़ों रुपये का जो निवेश है वो आया है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। क्योंकि जबलपुर में 13,000 लोगों को रोजगार मिला, उज्जैन में 17,000 लोगों को रोजगार मिला, ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 8 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जिसमें अडानी ग्रुप ने भी ग्वालियर और गुना में निवेश किया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पहल है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहीं ना कहीं हर जिले को विकसित करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये पूरा कार्यक्रम है वह रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं ये कहाँ के हैं पूरे प्रोडक्ट और कैसे बनाए गए हैं। ये सर हमारे जो प्रोडक्ट हैं मिलेट्स के बने हुए हैं, कोदो एंड कुटकी मिलेट्स के। हमारा जो है पेरेंट कंपनी है आईसेक लिमिटेड रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, और कुछ मिलेट्स के प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाए हैं, आप टेस्ट भी कर सकते हैं। ये बताइए, ये सारा सर बिना 0% मैदा, जैसा कि हमारे प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, नो ट्रांसफैट, नो रिफाइंड शुगर, नो मैदा, पूरा हेल्थ बेनिफिट से पूरा प्रोडक्ट है। यू कैन टेस्ट इट सर, आप टेस्ट करके देंगे सर। ये सर हमारा जो है प्रमोट कर रहे हैं लगातार, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि इसका उपयोग करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है। सर एक्चुअल सबसे बड़ी बात ये होती है, ये होता है ग्लूटेन फ्री होता है ये प्रोडक्ट, और ये पॉजिटिव मिलेट में आता है, और ये एमपी के ट्राइबल एरिया में होता है, यहाँ डिंडोरी में, और डिंडोरी में ही हमारी कंपनी ने एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है इसका, जहाँ उनके फार्मरों से सीधा प्रोक्योर करके हम प्रोसीड करके मार्केट में लॉन्च करते हैं। हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज़ हैं कोदो मिलेट एंड कुटकी मिलेट्स में, जो कि आपके सामने हैं। बेकरी डिवीजन में हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और रॉ मटेरियल में भी सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। सरकार भी लगातार इन प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश पर लगी हुई है, लगातार जागरूक कर रही लोगों को। यस सर, सरकार लगातार बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। यस सर, सरकार बिल्कुल सर बहुत अच्छा काम कर रही है, और अभी इस जब 2023 जब मिलेट से और हुआ था, उसी हमारी कंपनी ने उसके पहले ही से इसको चालू कर दिया था, और देन हमें 2023 में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो आप देख सकते हैं कि जो जमीन से जुड़ी हुई चीज़ है, कोदो कुटकी की यदि बात करें तो ये आदिवासी इलाके में होती है, उसको भी एक लगातार पहचान कोशिश है। साथ ही यदि बात करें यहाँ के शिल्पकारों के बनाए हुए, तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि अद्भुत जो नक्काशी है वह यहाँ पर है, और उसी पीतल की नक्काशी के वह लगातार फेमस हो रहा है। इस प्रकार से लोगों में उत्साह है, क्योंकि बड़े उद्योग वहीं मध्य प्रदेश को एक अलग जो पहचान है वो कहीं ना कहीं फोन क्लेप के माध्यम से मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पूरे फोन क्लेप की यदि बात करें, लोगों का आने का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेंगे, और कुछ देर बाद जब पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के जो लोकगीत होते हैं, जो परंपरा होती है, उसके तौर पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा, और स्वागत के साथ साथ कहीं ना कहीं एक पूरी जो झलक है वो आज बुंदेलखंड की इस कार्यक्रम में देखने को मिल रही है। क्योंकि कार्यक्रम की यदि बात करें तो जो बड़े जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो उद्योगपति आ रहे हैं, उनको बुंदेलखंड का जो स्वाद है वह चखाया जाएगा। बुंदेलखंड के स्वाद चाय का जो है वह बुंदेलखंड का मिलेगा, इसी चाय के चलते जो उद्योगपति है बुंदेलखंड का जो एंजल है बड़ा
अद्भुत होता है और अद्भुत होने के साथ साथ उसका जो जायका वो बड़ा स्वादिष्ट भी होता है। तो आज का जो कॉन्क्लेव है सागर का कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के लिए बड़ा महत्व है। जी बिल्कुल विवेक, सागर ही क्यों बना निवेशकों की पसंद? यदि बात की जाए सागर की तो मुख्यमंत्री का बहुत ज्यादा उम्मीद मध्य प्रदेश के विकास के लिए अलग अलग जिलों को चिन्हित किया है और मध्य प्रदेश के हर जिले में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा जहां पर जो जमीन से जुड़े हुए उद्योगपति हैं, जो लोकल के जो उद्योगपति हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही जो लोकल की जो चीजें हैं खासतौर पर जो जमीन से जुड़े हुए व्यापार है हर जिले में कुछ ना कुछ अलग होता है उसको भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा। जिसके चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग जिलों के लिए रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हालांकि इसके पहले भी रीजनल इन्वेस्टर समिट होती थी मगर वह प्रदेश स्तरीय होती थी मगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब मध्य प्रदेश की कमान संभाली उसके बाद से ही अलग अलग जिलों को विकसित करने का जो काम है वह शुरू हो गया है। क्योंकि इसके पहले उज्जैन की बात करें, ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें, यहाँ अभी रीजनल और अब चौथी बार सागर में रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन है। इसके बाद रीवा पे है, शहडोल पे है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश के हर जिलों में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा जिससे वहाँ के जो लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और बड़े जो उद्योगपति हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में निवेश करेंगे। क्योंकि ग्वालियर इन्वेस्टर समिट की यदि बात करें तो 8,000 करोड़ का निवेश वहाँ पर आया है और पुणे और ग्वालियर की बात करें अडानी जैसे बड़े ग्रुप ने मध्य प्रदेश में पहली बार इन्वेस्ट किया है। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी बात है, प्रदेश सरकार के लिए बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के करीब ग्वालियर में 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार हर जिले में जो लोग दूसरे राज्य कमाने के लिए जाते हैं वो ना जाए उनको वहीं पर ही छोटे छोटे लोगों के माध्यम से रोजगार मिले जिसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। और आज यदि सागर की यदि बात करें सागर का भी बड़ा अनुभव है क्योंकि कई उद्योगपति आएंगे जानेंगे समझेंगे मध्य प्रदेश की सागर को बुंदेलखंड और कहीं ना कहीं एक इन्वेस्ट जो है वह करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि इसके पहले भी हजारों करोड़ों का जो इन्वेस्ट है वो मध्य प्रदेश में आया है और आज जिस प्रकार से सागर में रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन रखा गया है तो संभावना है कि बुंदेलखंड को आज कहीं ना कहीं अमृत की वर्षा बोल सकते हैं। यह एक बड़ी खुशी की बात है कि करोड़ों की जो सौगात है बड़े उद्योगपति द्वारा आज मध्य प्रदेश को मिलती दिखाई दे सकती है मध्य प्रदेश के सागर में। जी बिल्कुल विवेक, क्या लगता है कि बुंदेलखंड की सूरत बदल पाएगा यह रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव? जिस तरह से हमने देखा कि पिछले ग्वालियर की बात करें, इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें या जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर भी हुआ था और काफी अच्छा रिस्पांस रहा, बुंदेलखंड से क्या उम्मीद करते हैं? बिल्कुल, बुंदेलखंड की यदि बात करें तो बुंदेलखंड को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा क्योंकि कनेक्टिविटी की यदि बात करें तो जिस प्रकार से सागर पर रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और सागर की यदि बात करें तो सागर में जिस प्रकार से कनेक्टिविटी है, जिस प्रकार से रोड का माया जाल है और माया जाल के साथ साथ जो यातायात के साधन हैं वो कहीं ना कहीं अद्भुत है जिसके चलते सागर को एक बड़ा जो फायदा है वह मिलेगा। क्योंकि सागर की यदि बात करें तो माया जाल की बात करें तो 2 नेशनल हाईवे हैं, रेल लाइन की बात करें तो बॉम्बे दिल्ली सूरत तक सीधी रेल लाइन बिछी हुई है बीना जंक्शन से रेल मार्ग से कहीं ना कहीं लोग बड़े उद्योगपति जो उद्योग करने वाले हैं कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा एक रास्ता है। साथ ही बात की जाए लोकल की चीज़ों की प्रोडक्ट की बात करें खासतौर पर टमाटर अदरक लहसुन सब्जियों के उत्पाद की बात करें कच्चा जो माल है वो सागर में मिल जाएगा। इसी प्रकार बात की जाए तमाम बड़े उद्योगपतियों की तो कहीं ना कहीं सागर और बुंदेलखंड से उनको जो एक बड़ा जो लाभ है वह मिलेगा क्योंकि यहाँ पर यातायात के साधन है, कनेक्टिविटी के साधन है और इसी कनेक्टिविटी के साधन के जरिए बड़े उद्योगपति सागर पर निवेश करेंगे। क्योंकि कच्चे सामग्रियों की बात करें टमाटर की बात करें अदरक की बात करें लहसुन की बात करें या खनिज भंडारों की यदि बात करें तो अलग अलग ऐसे कई जिले हैं जहाँ पर
तमाम जो खनिज भंडार हैं वो कहीं ना कहीं भरे हुए हैं, अलग अलग जिलों में एक अलग अलग पहचान है, जिसके चलते आज सागर के रीजनल इन्वेस्टर समिट मीट में संभावना है कि करोड़ों का निवेश आएगा, करोड़ों के निवेश के साथ एक बुंदेलखंड को एक अलग पहचान मिलेगी और जो बुंदेलखंड के जो लोग हैं जो दूसरे राज्य रोजगार के लिए जाते हैं उनका जो जाना है जो पलायन है वो भी बंद हो जाएगा, रोजगार के अवसर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल विवेक, बड़े ग्रुप के डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में जेपी नड्डा की बात करें या बिरला जैसे बड़े ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। फिलहाल कब तक पहुंच जाएंगे? हम देख रहे हैं कि स्वागत सत्कार के लिए भी तैयारियां यहाँ पर पूरी की जा रही है। बिल्कुल, स्वागत सत्कार की यदि बात करें तो स्वागत सत्कार की जो तैयारी है वह हो चुकी है, बस कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचेंगे। उसके पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री के बाद जो पूरा कार्यक्रम है वह शुरू किया जाएगा, मगर उसके पहले आप तस्वीर लगातार स्वराज एक्सप्रेस में देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो बुंदेलखंड का जो नृत्य होता है उसकी लगातार जो प्रस्तुति है जो रिहर्सल है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि रिहर्सल की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब यहाँ पहुँचेंगे तो बुंदेलखंड की जो पूरी झलक है, बुंदेलखंड के रीति रिवाज की बात करें या संगीत की बात करें या नृत्य की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी जो झलक है बुंदेलखंड की दिखनी चाहिए, जिसके चलते कुछ घंटों से लगातार बुंदेलखंड के जो गीत है वही चल रहा है। बुंदेलखंड के नृत्य की यदि बात करें तो बुंदेलखंड का जो नृत्य है उसकी लगातार जो रिहर्सल है वही की जा रही है और कहीं ना कहीं इसी बुंदेलखंड की एक अलग पहचान के चलते आज देखने वाली बात होगी कि बुंदेलखंड को एक अलग जगह के साथ एक अलग ऊंचाई जो है वो आज मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पे कहीं ना कहीं रीजनल इन्वेस्टर समिट में होना है, क्योंकि सागर के बाद रीवा की बात करें या शहडोल की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी इन्वेस्टर समिट होना है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि रीजनल इन्वेस्टर समिट मीट के जरिए ही अलग अलग जिलों में अलग अलग पहचान दे सकते हैं और आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड का जो नृत्य होता है उसके जरिए मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा, अद्भुत नृत्य होता है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कलाकार है वह अपनी प्रस्तुति दे रहा है, उसी प्रस्तुति के जरिए कहीं ना कहीं बुंदेलखंड को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है कि बुंदेलखंड कैसा है, बुंदेलखंड किस प्रकार से रीति रिवाज है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कलाकार है दिखा रहा है कि किस प्रकार से बुंदेलखंड का बुंदेलखंड को क्या आने वाले समय में फायदा हो सकता है कॉन्क्लेव के माध्यम से, वो बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो मध्य प्रदेश और खासतौर पर सागर बुंदेलखंड में जो इन्वेस्टर हुए तमाम लगातार विषय हैं और इस विषयों को लेकर इसके पहले भी चर्चा हो चुकी और आप तस्वीर देख रहे हैं कि लगातार जो बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य है उसके जरिए एक अलग पहचान एक अलग जगह बुंदेलखंड की है पूरे मध्य प्रदेश में और लगातार जो रिहर्सल है वह लगातार की जा रही है। जी आप बिल्कुल तस्वीर देख रहे हैं कि किस प्रकार से जी बिल्कुल विवेक यहाँ पर आज मुख्यमंत्री नई पॉलिसी को लेकर भी घोषणा कर सकते हैं। अगर इस पॉलिसी की बात करें तो इस पॉलिसी से मध्य प्रदेश को कितना फायदा होगा, क्या लगता है कि कौन किस तरह की पॉलिसी नजर आ सकती है? और हम देख रहे हैं विवेक कि जिस तरह से उत्साह का माहौल है कहीं ना कहीं सभी लोग एक सभी निवेशक जो है एक अलग ही उम्मीद लेकर यहाँ पर एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े निवेशकों की बात करें तो यही वो गेट है जहाँ से जो निवेशक आ रहे हैं और निवेशक जब आ रहे हैं स्वागत बुंदेलखंड की परंपरा के साथ के द्वारा आप देख रहे हैं तो निवेशक के वह लगातार बुंदेलखंड के नृत्य को देख रहे हैं, बुंदेलखंड की जो कला
कला संस्कृति है उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि बुंदेलखंड अपने आप में क्या है, बुंदेलखंड का लोकगीत उसका एक अलग क्या महत्व है। क्योंकि बात की जाए आज के कार्यक्रम की, तो जब पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में रीजनल इन्वेस्टर समिट मीट का आयोजन जब किया जा रहा था, उस दौरान देखने को मिला था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया था कि उद्योग पॉलिसी की बात की जाए वह ऐसी सजग बनाई जाएगी कि उद्योगपतियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आईटी पॉलिसी की बात करें तो उस पर बदलाव भी किया गया है, ठीक है, जिससे मध्य प्रदेश में निवेशक आए और निवेशकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आप हमारे साथ बनी रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपसे कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में पहुंचेंगे और इसके साथ ही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कहीं ना कहीं आज बुंदेलखंड की तस्वीरें यूं कह सकते हैं कि बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि आज बड़ी सौगातें यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हासिल हो गए।